कृष्णानंद तीर्थ सुरदमृत कवि विप्रुषा प्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां क्लेशाबोधधारा विघटि कल्पिलाकार संस्कार सारा स्वच्छन्दं सन्ध्वन्ति प्रतिपदमधुना कामनोव्यञ्जया महा संभोगे विप्रलम्भे निरुभयमभयं भाति भूपोरसानां विक्षेपे वा समाधौ विहरणनिपुणा ब्रह्मविद्यैव नूनम् इत्थं लोकैरशोकैः दिशि दिशि बहुधा भाव्यमानो वधूतः श्रीपूर्णानन्दतीर्थो मम मनसि मनाद् आत्मभावं विभर्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रज के रसिकों ने एक प्रश्न उठाया है कि प्रेम का उद्दीपन क्या है। कोई कहते हैं नदी का तट हो, चांदनी रात हो, शीतल मंद सुगंध वायु हो, अपने प्रियतम का संग हो, तो प्रेम उद्दीप्त होता है, बनता है। ब्रज के रसिकों ने इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता से विचार किया है। उनका समाधान ये है कि न नदी तट से प्रेम बढ़ता है, न शीतल मंद सुगंध वायु से प्रेम बढ़ता है, वो भी बढ़ाने वाले हैं, बढ़ाया करें, न चांदनी रात से प्रेम बढ़ता है। जब ये मालूम पड़ता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो भी मुझसे प्रेम करता है, जब ये बात मालूम पड़ती है कि हमारे प्रियतम के हृदय में हमारे प्रति महान प्रेम है, प्रेम कनौड़ो राम सौ त्रिभुवन सिहु काल न भाई, तेरो रेनी हौ कढ़ौ कपिसो, ऐसो मानी को सेवकाई। जब ये ज्ञात होता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, तब उसके प्रति प्रेम का उदय होता है। आप देखेंगे बड़े बड़े भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। मैं सब मजहबों, सब संप्रदायों, सब धर्मों और ईश्वर के बारे में जितनी रूपरेखा उसकी निरूपण की गई है मन वाणी से, उसके बारे में ये कह सकता हूँ भक्त के प्रेम का उत्तर, भक्त के प्रेम की पूर्ति, भक्त के प्रेम की संपुष्टि हमारे सगुण साकार भगवान जैसी करते हैं, वो ऐसे निर्गुण निराकार भगवान नहीं करते। ये प्रेम की चर्चा है, प्रेम की। कल जब मैं आश्रम में तदेजति तन्नैजति मंत्र बोल रहा था वेद का, तो देखा एक वेदांती सज्जन मुस्करा रहे थे। तो शंकर भाष्य मालूम है उनको, उस मंत्र पर शंकर भाष्य है कि सोपाधिक रूप से भगवान कंपनशील है तदेजति, और निरुपाधिक रूप से तन्नैजति, वो कंपनशील नहीं है। उपाधि अनादि है और शंकर मत में भी नित्य भी। उपाधि का मुख्यत्व जो शंकर संप्रदाय में माना जाता है
वो अनादित्व प्रयुक्त नहीं है अथवा नित्यत्व प्रयुक्त नहीं है, वो तो अबाधितत्व प्रयुक्त है। नहीं तो परब्रह्म परमात्मा की अकथ अनादि सुपामुज साधि नाम रूप जो ईत उपाधि, शंकर मत में भी ये उपाधि अनादि है और नित्य है। इसलिए तदेजति का अर्थ होता है जब भगवान के हृदय में करुणा का उद्रेक होता है तो उनका हृदय डावाडोल हो जाता है, कंपित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में बोलते हैं, शल्यमेतत् प्ररूढम् मे हृदये नापसर्पति यद् गोविन्देति सुक्रोश कृष्णा वाम दूरवासिनम्। मेरे हृदय में ये शल्य ये बाण चुभ गया है और वो निकाले भी नहीं निकलता कि अपनी रक्षा के लिए मुझ द्वारका वासी गोविंद को पुकारना पड़ा। द्रौपदी को जद गोविंदे चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम, मैं उस समय इंद्रप्रस्थ से दूर था, हस्तिनापुर से दूर था, कौरव पांडवों से दूर था और द्रौपदी को पुकारना पड़ा कि गोविंद मेरी रक्षा करो। ये मेरे हृदय में एक शल्य चुभ गया है, एक बाण की घाटी लग गई है और वो निकलती नहीं, बारंबार हमको तकलीफ देती है। वो भगवान की वो सहृदयता, भगवान की वो करुणा जो आज भी उनके हृदय में बनी हुई है, वो जब अपने भक्त का हृदय देखते हैं और ये जथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरी प्रपत्ति करते हैं मैं उसी भाव से उनके प्रपन्न होता हूँ। प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते का उत्तर ही है प्रपद्ये, जब भक्त कहता है त्वाम अहम प्रपद्ये, तब भगवान भी कहते हैं कि भक्त त्वाम अहम प्रपद्ये। ये जथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, और जब भगवान की ये करुणा ये स्वभाव उमा, एक बार मैं कोई 100 मील दूर चल के एक भक्त का दर्शन करने गया, पैदल चलते काशी, सायंकाल उनके पास पहुंचा, कई दिन के बाद 3-4 दिन लगे बैठे थे अकेले में। उन्होंने पूछा क्या चाहते हो, क्यों इतनी दूर पैदल चल के आए। मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझसे भजन हो। तो बोले उमा राम सुभाव जे ही जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। ये चौपाई बार बार दोहरावे और उनकी आंखों से भर भर आंसू गिरे, शरीर में रोमांच, घंटे आध घंटे तक तो दोहराते ही रहे इस चौपाई को, उमा राम सुभाव जे ही जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। जिसके हृदय में, और आपको आप सुनाने में हमको कोई संकोच नहीं है क्योंकि वो मेरा चमत्कार नहीं उनका चमत्कार है। उन्होंने कहा अच्छा भजन होगा और मेरे मुंह से फराफर भगवान का नाम, जिस जैसे मैं विवश हो गया हूँ भगवान का नाम निकलने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर बंद हो गया। मैंने उनसे कहा महाराज ये तो बंद हो गया, तो बोले कि तब मैं क्या तुम्हारी जीत पर बैठ के दिन रात मैं ही भगवान का नाम लिया करूं। अब तुम करो, नमूना देख लिया अब तुम भगवान के नाम का उच्चारण करो।
उमा राम सुभाव जहि जाना साहि भजन तजी भाव न आना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसके जीवन में पाप न हुआ हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसके जीवन में त्रुटि न हुई हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसके जीवन में कोई न्यूनता न हो। मैं नितांत पवित्र हूँ, इस प्रकार का अभिमान तो केवल अभिमान मात्र है। यदि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे भगवान में उन पतितों के प्रति, उन पापियों के प्रति, उन अपूर्णों के प्रति कोई आश्वासन न हो, उनको उठाने वाला कोई न हो, उनसे प्रेम करने वाला न हो, वो अधिकारियों को पहचान पहचान के ही अपनी छाती से लगाने वाला हो, तो वो सारी दुनिया का मालिक नहीं हो सकता। यदि सरकार केवल सरकारी अधिकारियों का ही पोषण करे और अपनी पिट्ठुओं का ही पोषण करे, सारी प्रजा के संभरण का, संपोषण का भार अपने ऊपर न ले, तो वो सरकार कैसी। तो चाहे कोई दीन हो, हीन हो, पतित हो, महापापी हो, परंतु भगवान, भगवान उसको भी अपनाते हैं। और जब हम ये दीन स्वभाव सुनते हैं प्रभु का, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौबार हिए की, जे यज बधेउ व्याध दिनी पाली, कोई सुतंत पुन कीन कुचाली, कोई करतूत विभीषण केरी, सपने जे न राम हिए हेरी। ये कोमल कील, ये कोमल कील, ये स्वभाव यदि भगवान का न हो, तो मनुष्य के मन में भगवान के भजन की रुचि ही उत्पन्न न हो। वहाँ तो गरीब से गरीब के लिए, दीन से हीन के लिए, दीन से दीन के लिए, केवट नीत कहे सुखमानत, बानर बंधु बड़ाई, रघुवर रावरी ये है बड़ाई। प्रिय निंदक मति मंद, प्रजारज निज नयन नगर बसाई, ये भगवान की रीति है। परंतु जब कोई प्रेम करता है, भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं, ये बात सच्ची है, परंतु भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। लोग कहते हैं भरत जी ने ऐसी भक्ति की, ऐसा भजन किया, ऐसा प्रेम किया। गोस्वामी जी ने एक रहस्य की बात बताई, सारी दुनिया राम का भजन करती है, परंतु राम भरत का भजन करते हैं। भरत सरित को राम स्नेही, जग जप राम, राम जप जेही। राम जी का मंत्र आपको मालूम है, राम जी किस मंत्र का जप करते थे, तो उनकी जबान पर भरत भरत भरत, ओम नमो भरताय, ओम भरताय नमः, भरत भरत भरत, वो भरत का जप करते। आप जानते हैं सीता जी, श्री जनक नंदिनी भगवान राम से प्रेम करते, नाम पाहरू दिवस नीति, ज्ञान तुम्हार कपात, लोचन निज पद यंत्रित, प्राण जाए के बात। ये थी श्री जनक नंदिनी की स्थिति। परंतु भगवान श्री राम तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, तो मन रहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। राम का मन राम के शरीर में नहीं रहता, राम का मन राम के पास नहीं रहता। लगाने दो योगियों को समाधि, और वो अपने मन को वितर्कालंबन, विचारालंबन, आनंदालंबन, अस्मितालंबन करके संप्रज्ञात समाधि में स्थित हो जाए उनकी विवेक ख्याति,
लग जाए उनकी निर्विकल्प और निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि, परंतु उनका मन उनके पास उनके पास रहता है। परंतु हमारे भगवान ऐसा प्रेम करते हैं अपने प्रेमी के प्रति कि वे अपने मन को अपने पास नहीं रखते हैं, अपने मन को अपने प्रेमी के पास भेज देते हैं। तो मन रहत सदा तो ही माही, जान प्रीति रस इतने ही माही। भगवान का मन भगवान के पास नहीं है, श्री जानकी जी के पास है। जब हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं, एक दिन भगवान क्या शिकायत करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हमको नींद नहीं आती। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज आपको ऐसी क्या चिंता लगी है? रोगी को नींद नहीं आती, कामी को नींद नहीं आती है, चिंता मग्न को नींद नहीं आती, किसी के ऊपर शत्रु चढ़ाई करने वाला हो तो नींद नहीं आती। आपको किसकी चिंता है, किसका डर है, किसकी कामना है कि आपको नींद नहीं आती? श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमें नींद ही नहीं आ रही है, दीर्घ जागर में हमारी रात्रि व्यतीत होती है। बोले हे भगवान, आपको ऐसी क्या चिंता लगी है? आप देखें रुक्मिणी के प्रसंग में, तथा हम अभी तो निद्राम न लगे निकले। मेरा मन रुक्मिणी के प्यार में मग्न है, रुक्मिणी के पास पहुंच गया। मेरी बुद्धि इस विचार में संलग्न है कि मैं रुक्मिणी को कैसे प्राप्त करूं। जैसे भक्त विचार करते हैं कि भगवान हमको कैसे मिले, क्या जप करूं, क्या तप करूं, क्या ध्यान करूं, क्या बलि दूं कि भगवान हमको मिले, क्या समर्पण करूं। भगवान वैसे ही चित्त शब्द का दोनों अर्थ होता है, मये व मन आधस्व मई बुद्धि निवेशय निवसिष्यति मये व अतऊर्ध्वम न संशय अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोति मई स्थिरम। पूर्व श्लोक में मन और बुद्धि दो नाम दिए गए और उत्तर श्लोक में दोनों को कुंजीकृत करके एक नाम दिया गया, चित्ता। तथा हम अभी तत्चित्ता, भगवान का चित्त कहा माने भगवान का प्रेम चित्ते अपने से बोले नहीं रुक्मिणी। तब भगवान का विचार किसकी प्राप्ति के लिए उपाय सोच रहा है, किस युक्ति युक्ति में लग रहा है? तो भगवान का विचार रुक्मिणी को प्राप्त करने की युक्ति में लग रहा है। और इस प्यार में, इस विचार में निद्राम जो न लभे निसी, रात को निद्रा ही नहीं आती, रात रात भर जाग कर तारे नहीं गिनते हैं और रुक्मिणी को गिनते हैं, रुक्मिणी को, रुक्मिणी 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 कैसे मिले? आप बताओ, किसी मजहब का भगवान अपने भक्त के लिए जाग जाग कर अपनी रातें व्यतीत करता है? किसी के निराकार में ये क्षमता कि वो अपने भक्त के चिंतन में जागे? आप श्रीमद् भागवत में देखो, इस समय श्री सुदामा जी को लगाते हैं अपने हृदय से, भागवत के मूल में है, विप्रर से है अंग संगाति निर्वृता। भगवान परमानंद स्वरूप है, लेकिन जब सुदामा को अपने हृदय से लगाया तो उनके अंग संग से अतिशय परमानंद का उदय हुआ। प्रीतो व्यमुंचत अब बिंदु, ऐसी तृप्ति ऐसी प्रीति उभरी कि भगवान की आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी। रोते हुए भगवान, निर्गुण ब्रह्म कभी किसी के लिए रोया है? मैं निर्गुण ब्रह्म का अथार्थी हूँ भला, जब से होश संभाला श्रौत स्मार्थ ब्राह्मण कुल में सनातन धर्मी और निर्गुण ब्रह्म ही संपूर्ण वेद वेदांतों का परम तात्पर्य,
ये सुना और सीखा और उसके बारे में जाना समझा अनुभव किया। परंतु मैं सीधा प्रश्न करता हूँ, क्या निर्गुण ब्रह्म की आंखों में किसी अपने भक्त के लिए कभी आंसू आए हैं? वहाँ तो आंख ही नजर आंसू, आंख ही नजर आंसू कहाँ से आ रहे है ना। अब मान लो आंख है भी तो अलुप्त त्रिक जिसमें पलकें उठती और गिरती हैं, जिनमें निमेजोन्मेष होता है, ऐसी आंखें नहीं है, गोलक वाली आंखें नहीं है, गोलक वाली आंखें नहीं है, महत्व की आंखें भी नहीं है, दूसरे को देखने वाली आंखें भी नहीं है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और इधर पानी परात को हाथ छुए नहीं, नयनन के जलते पग धोए, परात का पानी हाथ से नहीं छूता और अपने आंखों के जल से अपने भक्त के पांव धोता है। अनुब्रजा न्याम नित्याम पूरे ये अंग्रे रहे। भगवान ने विचार किया, एक भक्त अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर देता है और अपने हृदय में मेरे सिवाय और किसी को नहीं रखता, अपना हृदय समग्र रूप से मुझे दे देता है। एक भक्त ने अपने लिए अपने को नहीं रखा, मेरे लिए अपने को कर दिया। लेकिन क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? एक भक्त को अगर एक बार अपने आप को दे दूं तो दूसरे भक्त के लिए बचेगा क्या? तो एक एक भक्त जहाँ मुझे सर्वस्व अर्पण करते हैं, वहाँ मैं अनेक भक्तों को तो अपना सर्वस्व अर्पण नहीं कर सकता ना। तो मैं तो प्रत्येक भक्त का ऋणी हूँ। कर्तव्य बोले, हमारे अंदर दोष आ गया। भक्त लोग सर्वस्व समर्पण करते हैं और मैं उनके बदले अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ये जथा माम प्रपद्यन्ते तात तथैव भजाम्य हम, एक भक्त को अपना सर्वस्व अर्पण नहीं कर सकता, सब भक्तों को देना पड़ता है। कर्तव्य मैं भक्तों का कर्जदार। अरे ये व्यंग्रे रेणु भी, मैं उनके चरणों की धूल उठाकर अपने सिर पर रखता हूँ कि हे भक्त, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे सर्वस्व समर्पण के बदले अपना सर्वस्व समर्पण नहीं कर सका, मैं दोषी हूँ, अपराधी हूँ, कब तुम्हारे चरणों की धूल लगा के ही मैं उऋण हो सकता हूँ। गोपियों के सामने हाथ जोड़कर बोलने वाला भगवान दुपट्टा हाथ में लेके हाथ जोड़ के, न पार ये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्याम विबुध आयुषा विवाह, यदि मैं अमर आयु से तुम्हारी सेवा, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ, नहीं चुका सकता गोपियों, हमारे पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी प्रज्ञा नहीं, ऐसी बुद्धि नहीं, ऐसी सेवा नहीं कि मैं तुम्हारे ऋण से पूर्ण हो सकूं। भगवान रामचंद्र ने श्री हनुमान जी से कहा, मय्येव जीर्णताम जातु यत्त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम् आपत्त्वायापि पात्रताम्। हनुमान जी, तुमने जो मेरी सेवा की है, अब ऐसी कृपा करो तुम ही कि वो तुम्हारी सेवा का जो ऋण है वो मुझे बच जाए। इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है कि उस कर्ज को मैं पचा नहीं सकता, पर तुम ऐसी कृपा करो कि बच जाए। क्योंकि उपकार के बदले उपकार, सेवा के बदले सेवा तो तब की जाती है ना, कि जब हमारा सेवक, हमारा उपकारी किसी, जैसे हमारी हमारी पत्नी का हरण हो गया, हमारे ऊपर शत्रुओं का आक्रमण हो गया, हमारे भाई संकट में फंस गए, तब तुमने हमारा भला किया, अब हम उस बदला, उसका बदला चुकाने के लिए क्या ये चाहूँ कि तुम भी कभी विपत्ति में पड़ो और मैं तुम्हारा बदला उतारूं? तो नरह प्रत्युपकाराणाम
आपत्वायाति पात्रताम, उपकार का बदला तो आपत्ति विपत्ति में चुकाना पड़ता है। मैं कहता हूँ तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आवे ही नहीं कि हमें तुम्हारे उपकार का सेवा का बदला चुकाना पड़े। मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूं, तेरो ऋणी औ कहो कपिसो। ऐसी मानी को सेवकाई रघुबर रावरी यह बड़ा। ओम शांति।